हेलो फ्रेंड, वेलकम टू JLS क्लासेस। तो फ्रेंड, कल मेरा क्लास नहीं हुआ था क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। तो आज रीजनिंग का पार्ट फोर चालू कर रहे हैं। पार्ट थर्ड में आप लोगों ने देख लिया कि पिछला साल और अगला साल कैसे निकाला जाता है सेम कैलेंडर के लिए। उसके बाद आपने एक दो डेट को दिन का फाइंड करने के लिए समझ लिए हैं। उसके बाद आप एक लगातार एक डेट फाइंड करने, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था वो भी पता करने के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं। आज का लास्ट क्लास है रीजनिंग का, अरे रीजनिंग कैलेंडर का, सॉरी। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यदि किसी माह की 10 तारीख को शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो उसी माह के 20 तारीख वो कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन क्या करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फ्रेंड, इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन है। यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है, ठीक है, शुक्रवार के 2 दिन बाद 10 तारीख पड़ता है, समझ में आ रहा है ना, मतलब कौन सा दिन शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। यानी 10 तारीख हमको पड़ रहा है रविवार के दिन, कौन तो फिटर फिटर कर रहा है 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद, ठीक है। दस तारीख दो दिन बाद इज इक्वल टू रविवार हो जाएगा, ठीक है, रविवार। रविवार कैसे बता रहे हैं, यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ती है, कि नहीं बोल रहा है कि 10 तारीख शुक्रवार को पड़ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 तारीख जो पड़ रहा है शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ रहा है, तो शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा आपको, रविवार। यानी 10 तारीख को 10 तारीख 2 दिन बाद रविवार हो जाएगा, शुक्रवार के 2 दिन बाद, ठीक है, शुक्रवार के 2 दिन बाद रविवार हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कि 10 तारीख को रविवार पड़ जाएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए कि 10 तारीख बराबर रविवार, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसमें उसी महीना के 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि जैसे कि सोमवार, आज मंगलवार है, आज मंगलवार हुआ तो आज के नेक्स्ट 7वां दिन मंगलवार ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें देखिए, प्लस अगर इसमें 7 कीजिए कर दीजिएगा तो कितना तारीख हो जाएगा, ये 17 तारीख हो जाएगा, ठीक है, 17 तारीख इजकल टू प्लस, इसमें भी 7 कर दीजिएगा तो रविवार हो जाएगा। गांव देहात में सुने हैं कि साते साते अतवारे के अतवारे अतवारे साथ ऐसे लोग बोलते रहते हैं, ठीक। 17 तारीख हो गया, पूछ कह रहा है कि 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, फिर इसमें हम प्लस 3 दिन कर देते हैं, प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 तारीख हो जाएगा। तो फिर इसमें प्लस 3 कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 कीजिएगा तो बुधवार हो जाएगा, ठीक है, रवि सोमवार मंगल बुध, ठीक है, बुधवार हो जाएगा। बुधवार यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, हम समझा देते हैं फाइनली। यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है, यानी कि 8 तारीख पड़ रहा है शुक्रवार को, 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ रहा है यानी कि रविवार को 10 तारीख पड़ रहा है, ठीक है, तो उसी महीना के 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 10 तारीख के 2 दिन बाद रविवार पड़ रहा है और 10 तारीख शुक्रवार के यहाँ हो जाएगा, शुक्रवार के 2 दिन बाद रवि पड़ रहा है, यानी कि 10 तारीख को रविवार पड़ रहा है, बंद है, 10 तारीख को रविवार पड़ रहा है, तो उसमें हम 7 जोड़ देंगे 17 तारीख, यानी कि हर 7 डे पर वही डेट दिन रिपीट होते रहता है। आज मंगल है तो मंगल के 7वां दिन मंगल ही होगा, सोमवार के 7वें दिन मंगल सोमवार ही होगा, बुध के 7 दिन बुधवार ही होगा, तो 10 तारीख को फिर रविवार हो जाएगा, 17 तारीख को इसमें 7 ऐड कर देंगे। तो फिर पूछ रहा है कि हमको 20 तारीख का डेट निकालना है कन्फर्म, तो
17 में हम 3 जोड़ेंगे तो 20 तो हो जाएगा, तो 20 तारीख को फिर इसमें रविवार में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार हो जाएगा, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। तो दूसरा क्वेश्चन है, किसी महीने के 5 तारीख सोमवार के 3 दिन बाद पड़ता है, 5 तारीख जो पड़ रहा है वो सोमवार के 3 दिन बाद पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी माह के उसी माह को 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। उसी माह को 19 तारीख को ठीक पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है फ्रेंड। तो बनाते हैं यहाँ से हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सोमवार के 3 दिन बाद पड़ता है 5 तारीख, सोमवार के 3 दिन बाद इक्वल टू 5 तारीख, सोमवार के 3 दिन बाद इक्वल टू सोमवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार के 3 दिन बाद, यानी सोमवार आज है तो आज के 3 दिन बाद गुरुवार, ठीक है। सोमवार के 3 दिन बाद गुरुवार इक्वल टू गुरुवार पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे हम लिख देते हैं इसको, सोमवार प्लस 3 इक्वल टू गुरुवार, ठीक है, ठीक है। तो अब बोला 5 तारीख, किसी महीने के 5 तारीख सोमवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो यानी कि सोमवार को 1 तारीख होगा, तभी तो 3-5 तारीख हो जाएगा वहाँ पर, समझ रहे हैं। तो 5 तारीख यानी कि ऐसे फिर मान लीजिए इसको, सोमवार को 1 तारीख हो जाएगा, 5 तारीख इक्वल टू गुरुवार, ठीक है। तब क्या करना हमको, उसी महीना के 19 तारीख को निकलना है, तो इसमें क्या करना हमको, 7 × 2 इक्वल टू 14, क्योंकि 2 सप्ताह हो गया, 7 दिन का 1 सप्ताह, तो उसमें 2 से गुणा किया तो 14 दिन हो गया, ठीक है। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 19 दिन हो जाएगा, ठीक है। 19 तारीख के ठीक पहले पूछ रहा है, तो हमको 19 तारीख 14 95 यानी 19 तारीख तक हमको कौन सा दिन आएगा, 19वीं तारीख को हमको आएगा, इसमें भी अगर 14 हम कर देंगे तो 19 तारीख को आ जाएगा गुरुवार, ठीक है। 19 तारीख को गुरुवार आ जाएगा फ्रेंड। अब इसमें क्या करना है हमको, तो बोल रहा है कि ठीक पहले, यानी आज के पहले, यानी कि आज मंगलवार है तो आज के पहले सोमवार था, ठीक है, आज के पहले सोमवार था, तो उसी तरह इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा, तो इसमें -1 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 18 तारीख का बात कर रहा है, तो यहाँ पर गुरुवार है तो इसमें -1 कर देंगे, कितना जाएगा बुधवार, फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, किसी महीना के 5 तारीख सोमवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो इसी माह के 19 तारीख को ठीक पहले कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार के 3 दिन बाद यानी गुरुवार, यानी कि सोमवार 1 तारीख को हो जा रहा है, उसके 3 दिन बाद 3 × 2 = 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 तारीख को फ्रेंड पड़ रहा है गुरुवार, तो इसमें हम 2 सप्ताह जोड़ देंगे 14, तो हो जाएगा 19, क्योंकि 5 तारीख को पहले गुरुवार है, तो 2 सप्ताह बराबर 19 हो जाएगा, तो 19 तारीख को फिर गुरुवार पड़ जाएगा, इसमें भी 14 जोड़ देंगे, तो फिर बुरा है 19 तारीख के ठीक पहले यानी एक दिन पीछे कौन सा दिन पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, -1 कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 तारीख को फिर इसमें एक दिन माइनस घटा देंगे तो गुरुवार बुधवार हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महीना के 3 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, 3 तारीख कौन सा दिन पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है, तो इसी महीना के 21 तारीख 5 दिन पहले, 5 दिन पीछे पूछ रहा है, ठीक है, 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा,
बाद में कहेगा तो बाद इज इक्वल टू आगे, अब पहले कहेगा तो पहले इज इक्वल टू पीछे। ठीक है फ्रेंड, किसी महीना के 3 तारीख को सोमवार है, तो इसी महीना के 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, इसका सोल्यूशन है फ्रेंड। 21 तारीख के 5 दिन पहले, 21 तारीख के 5 दिन पहले 21 तारीख के 5 दिन पहले, ठीक है, यानी कि इसमें से 21 माइनस 5 क्यों करेंगे कितना होगा 16 तारीख का डेट पूछ रहा है, ठीक है, 16 तारीख पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 तारीख को सोमवार है, देख लीजिए 3 तारीख इज इक्वल टू सोमवार, ठीक है। तो इसमें क्या करना फ्रेंड, 16 तारीख तक हमको निकालना है, 16 तारीख का डेट निकालना है, क्योंकि 5 दिन पहले तो उसमें माइनस कर देंगे, अगर कहे 5 दिन बाद कहता तो आगे का सेशन होगा उसमें हम लोग प्लस कर देते, ठीक है। तो इसमें हम प्लस अगर 7 जोड़ते हैं 1 सप्ताह तो कितना हो जाएगा 10 दिन हो गया, यानी 10 तारीख हो गया, 10 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा सोमवार, कैसे सोमवार होगा फ्रेंड, 3 तारीख को सोमवार है तो उसमें हम 10 तारीख जोड़ देंगे तो वो दिन भी सोमवार हो जाएगा, क्योंकि हर 7 दिन पर एक ही डेट दिन रिपीट होते रहता है, और अगर चाहेंगे तो प्लस इसमें भी सेवन कर सकते हैं, सोमवार सोमवार 7, ठीक है। अब पूछ रहा है ये 10 तारीख हो गया, हमको कितना तक निकालना है 16 तारीख तक, क्योंकि 21 तारीख तो दिया हुआ है लेकिन 21 से 5 दिन पहले का डेट दिन हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 तारीख, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम 7 दिन जोड़ते हैं तो सोमवार हो रहा है, अगर हम 6 दिन जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक दिन कम होगा ना, तो एक दिन कम होगा कितना हो जाएगा रविवार, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीका है बनाने का। तो इसमें क्या किया गया है कि 21 तारीख के 5 दिन पहले, यानी 21 माइनस 5 कर देंगे तो 16 तारीख आ जाएगा। तो 3 तारीख क्वेश्चन में दिया होगा 3 तारीख सोमवार को पड़ रहा है, ठीक है। तो हम अब 16वां दिन निकालेंगे, तो 3 तारीख अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 10 तारीख हो जाता है, तो 10 तारीख को भी सोमवार पड़ रहा है, और उसमें फिर 10 तारीख हो गया तो बच रहा है 6 दिन, तो हम उसमें 6 दिन जोड़ेंगे तो 16 तारीख आ जाएगा, 16 तारीख को फिर इसमें हम 6 दिन प्लस करेंगे कितना हो जाएगा रविवार, ठीक है फ्रेंड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ है, ठीक है, हुआ था, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, तो पूजा किस दिन पैदा हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस दिन सीता का जन्म हुआ था उस दिन शुक्रवार था, सीता के जन्म के 15 दिन बाद पूजा का जन्म हो रहा है, ठीक है, 15 दिन बाद पूजा का जन्म हो रहा है, तो पूजा का दिन पूछ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको बनाना कुछ इसमें खास नहीं है, बना देते हैं, ठीक है। सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ है, ठीक है, सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ है, तो 15 दिन बाद पूजा का जन्म हो रहा है, पूजा का जन्म हो रहा है 15 दिन बाद, पूजा का जन्म 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 2 + 1, ठीक है, हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, 7 × 14 तो 2 सप्ताह का हो गया,
प्लस एक दिन करेंगे तभी तो 15 दिन होगा, तो 14 दिन पर हम लोग निकालेंगे तो शुक्रवार ही होगा, ठीक है। यानी कि 14 दिन पर शुक्रवार ही कौन सा दिन हो जाएगा, 14वां दिन। हमें पूछ रहा है 15 दिन बाद पैदा हुई है, तो अकॉर्डिंग इसमें भी लिख दिए हैं, अगर इसमें से बना सकते तो तुरंत हम बना देते थे, लेकिन आप लोग को ईजी बनाने के लिए मेथड को हमने ऐसा किया। तो प्लस इसमें एक और जोड़ देंगे तो शनिवार हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन कुछ कह रहा है सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, सीता का जन्म यहाँ पर शुक्रवार को हो गया, ठीक है। पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ था, तो पूजा किस दिन पैदा हुई थी। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो 7 दिन होता है एक सप्ताह में, तो उसमें 2 कर देंगे तो 14 दिन हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार के 7वां दिन फिर नेक्स्ट शुक्रवार होगा, फिर उसके 7वां दिन नेक्स्ट फिर शुक्रवार होगा, ठीक है। यानी 14वां दिन यहाँ पर शुक्रवार हो गया है, ठीक है। प्लस उसमें क्वेश्चन कर रहा है कि 15 दिन बाद, तो 14 दिन यहाँ पर किए हैं, प्लस 1 करेंगे तो 15 दिन, तो प्लस 1 यहाँ पर किए हैं तो शनिवार आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया फाइनली, बहुत ही साधारण है, केवल इसमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कैलेंडर चैप्टर का रीजनिंग में, इसके बाद अब आगे का घड़ी स्टार्ट होगा चैप्टर, ठीक है फ्रेंड। तो इस रीजनिंग चैप्टर का, अरे रीजनिंग चैप्टर के कैलेंडर में का आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज से रीजनिंग भी ख़त्म हो रहा है। राम का जन्म 11 अगस्त को हुआ, ठीक है। राहुल राम से 11 दिन छोटा है, जो राहुल है वो राम से 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, यानी अगस्त का महीना है तो स्वतंत्रता दिवस जन्म नहीं पड़ेगा, तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन पड़ रहा है, तो सोमवार को पड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि राहुल का जन्म का दिन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, राम का जन्म देख लेते हैं इसको। राम का जन्म कब हुआ है, 11 अगस्त को, ठीक है। राहुल राम से 11 दिन छोटा है, राहुल राम से 11 दिन छोटा है, इक्वल टू माइनस 11 कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अगस्त यानी कि अगस्त ख़त्म हो गया, एक अगस्त को, एक अगस्त तक का 0 हो गया, क्योंकि इसका जन्म, राहुल का जन्म 31 जुलाई को हुआ है, ठीक है। छोटा 11 अगस्त छोटा है तो माइनस कर दें तो पूरा अगस्त महीना ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि जब अगस्त महीना ख़त्म हो गया तो 11 दिन छोट रहने पर राहुल का जन्म आपको हुआ है 31 जुलाई को। क्यों 31 जुलाई को हुआ, कैसे हुआ है, क्योंकि जब 11 दिन हम कम किए हैं राम का जन्म 11 अगस्त को हुआ है, राहुल का जन्म 11 दिन छोटा है राम से, तो 11 दिन कम किए हैं तो पूरा अगस्त महीना ख़त्म हो गया, यानी कि उसके नेक्स्ट पिछला दिन जुलाई पड़ रहा है 31 जुलाई। तो कहने का मतलब हुआ है कि राहुल का जन्म 31 जुलाई को हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 31 जुलाई को हुआ है तो अगस्त महीना में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त सोमवार को पड़ रहा है, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोला जाता है, तो 15 अगस्त सोमवार को पड़ रहा है, 31 जुलाई को हुआ, स्वतंत्रता दिवसम अस्थम अष्टमी दिवस यानी 15 अगस्त इक्वल टू सोमवार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोमवार है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें सम माइनस करेंगे कितना, 14 दिन, तो आ जाएगा हमको सोमवार आएगा, 14 दिन पर सोमवार आएगा, तो ये पूरा महीना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 31 जुलाई को निकलना, फिर एक माइनस करेंगे
तो वो आपका आ जाएगा। तो इसमें हम 15 अगस्त को सोमवार पड़ रहा है, तो 7 × 2 = 14, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे 14, इसमें से माइनस करेंगे 14, तो कौन सा दिन आ जाएगा हमको, सोमवार, ठीक है। तो ये तो पूरा महीना ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया ना, जुलाई पूरा ख़त्म हो गया। यस सर। अब इसमें क्या करना, अरे सॉरी, अगस्त पूरा ख़त्म हो गया, 15 दिन का था तो 15 दिन ख़त्म हो गया। यस सर। तो उसके बाद हमको जुलाई निकालना है, 31 जुलाई, तो इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो 31 जुलाई आ जाएगा। यस सर। माइनस एक यानी 31 जुलाई, माइनस एक किए फिर इधर माइनस एक करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार सर। वेरी गुड वेरी गुड। यानी 31 जुलाई को जिस दिन राहुल का जन्म हुआ था, राहुल का जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, रविवार, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और यही इसका फाइनल आंसर रविवार ही होगा। अब एक बात बता देते हैं फ्रेंड, आज रीजनिंग का क्लास कैलेंडर का ख़त्म हुआ, 4 टाइप में हम लोग पढ़ाए हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन लेवल का उठा कर रख लीजिएगा, इससे बाहरी आपको चारों लेवल को मिला कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग हम इसका Part 1, 2 और 3 को पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड आप लोग देखते हैं हम लोग की वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो समझ में आप लोग को नहीं आएगा, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक कभी वीडियो देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा से पूरा देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अन्यथा पता नहीं चलेगा कि फिर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, दिस दैट व्हाट, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।